हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एसक्यूएल सर्वर सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है एसक्यूएल सर्वर की। एसक्यूएल सर्वर में टेबल्स अगर क्वेरी के थ्रू बनाना हो तो बड़ा आसान है। इसके पहले भी कई वीडियोस आई हैं जिसके बारे में मैंने बताया है कि कैसे ये टेबल बनाना है। फिर भी काफी समय के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि और भी ज्यादा आपको क्लियरिटी इससे मिल जाए कि कैसे हम टेबल बनाएंगे। देखो, टेबल बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे आप एक्सेस में जाते हो टेबल बनाते हो, वैसे यहाँ पर भी है। तो चलिए एक बार SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करते हैं। यहाँ से ये आपको डाउनलोड करना होगा, कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सर्च कीजिएगा गूगल पे आ जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। फिलहाल मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसको आपको चलाने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट रहना होगा। तो यहाँ पर कनेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं ऑलरेडी इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर आपको डेटाबेस दिखाई पड़ेगा, हमें एक डेटाबेस बनाना है। तो यहाँ से जाकर के राइट क्लिक करके हम डेटाबेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू डेटाबेस ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस डेटाबेस को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कैल्क दे देता हूँ नाम, ठीक है, कैल्क, और एंटर कर दिया। तो इस डेटाबेस को मैंने कैल्क नाम दे दिया। जब डबल क्लिक करके आएंगे ना तो यहाँ पे कैल्क नाम का डेटाबेस हमें दिखेगा। अब ये जो कैल्क नाम का डेटाबेस है, इसके अंदर हमें क्या बनानी है, टेबल्स बनानी है। तो टेबल्स कैसे बनेंगी, तो टेबल्स क्वेरी का यूज करके भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए ये देखते हैं। तो न्यू क्वेरी पे चलते हैं। जैसे न्यू क्वेरी पे आएंगे ना तो ये एक विंडो ओपन होती है, यहाँ पर आपको क्वेरी क्रिएट करनी है। आसान है बहुत, कैसे क्रिएट करेंगे क्वेरी, चलिए आइए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, क्रिएट क्रिएट टेबल, ये दे देना है आपको कमांड, ठीक है। टेबल किस नाम से बनेगा, जैसे मैं यहां पे टेबल बना रहा हूं माय टेबल के नाम से, ठीक है। तो ये लिख दिया माय टेबल। अब ये माय टेबल के बाद स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करते हैं ना तो फिर यहां पर अब आपको फील्ड्स डालने हैं। जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया रोल नंबर, तो ये पहला फील्ड हमारा हो गया। हम चाहते हैं ना कि ये नल ना हो, खाली ना छोड़े इसे, तो यहां पे लिख सकते हैं नॉट नल प्राइमरी की, इस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने दे दिया, अब यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद जो दूसरी फील्ड आपको डालनी है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया, तो यहाँ पे डेटा टाइप भी देना होगा, इंट टाइप का डेटा टाइप है ये, ठीक है। अब ये सब कुछ दे लेने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर आना है और इसको थोड़ा सा गैप रिड्यूस करता हूं मैं, दो बार गैपिंग हो गई थी। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखिए, तो अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, नेम ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट। यहाँ पे हर बार अंडरस्कोर लगाना है, गैप नहीं देना है आपको, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या रखता हूँ, वेयर केयर रख देता हूँ, वेयर केयर, ठीक है। तो ये वेयर केयर, और इसकी साइज 20 रख देता हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे क्लास कर देता हूँ, क्लास, तो ये क्लास कर दिया। और यहाँ पर भी क्या दे सकते हैं, वेयर केयर दे सकते हैं या इंट दे सकते हैं, तो इंट दे दिया। इसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद यहाँ पे टर्मिनेशन देना, टर्मिनेशन देने के लिए और कुछ नहीं, सेमी कॉलन ही आपको दे देना है। तो यहां तक तो चीजें एकदम क्लियर होंगी, ठीक है। अब आपको सिंपली ये एक्सिक्यूट दिया हुआ है ना, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये एक मैसेज नीचे दिखाई पड़ेगा। जैसे ही मैसेज नीचे दिखाई पड़े तो ये समझ जाइएगा कि आपने बिल्कुल सही लिखा था, सारा कमांड एक्सिक्यूट हो चुका है। अब इस कैल्क पर जो डेटाबेस बनाया था, इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। डबल क्लिक ये करेंगे तो यहाँ पे टेबल्स नजर आएगी, तो इस टेबल पे दो बार क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए माय टेबल नाम से एक टेबल बन चुकी है हमारी, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम इसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्वेरी बना सकते हैं। उसके लिए क्वेरी कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जाएंगे, या तो आप टेबल पे चले जाइए, देखिए यहाँ पे जाएंगे ना तो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा और एडिट टॉप 200 रोज पे चले जाइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ना तो ये सारे फील्ड्स आपको मिलेंगे। लेकिन हमारा सवाल क्या है ना कि हम यहाँ से टेबल नहीं बनाएंगे, यहाँ से हम रिकॉर्ड्स नहीं लेके आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे, हम एक नई क्वेरी के थ्रू रिकॉर्ड लेके आएंगे। तो माई टेबल नाम से हमारी टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इंटू कमांड, इंसर्ट इंटू किस में इंसर्ट कराना है, माई टेबल, यही ना है, माई टेबल है, तो यहाँ पे माई टेबल दे देंगे, क्योंकि हमने जो टेबल बनाया है वो माई टेबल के ही नाम से है, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे माई टेबल दे देना है ऐसे, ठीक है। अब ये माई टेबल देने के बाद क्या करना है, माई टेबल देने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करना है, इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक एक करके फील्ड्स डालने हैं हमें, ठीक है। तो फील्ड कौन कौन सा डालेंगे, जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमने फील्ड क्या क्या दिया था ये देखना होगा। तो यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे ना तो हमें फील्ड्स भी दिखाई पड़ेंगे। तो देखिए एडिट टॉप 200, रोल नंबर है, नेम ऑफ कॉलम हम क्या देना चाहते हैं, तो हमारे केस में तो रोल नंबर ही है, तो यहाँ पे रोल अंडरस्कोर नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखना होगा कि कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस ना हो। यहाँ पर जब आप जाइएगा ना तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये देखिए यहाँ पे नंबर का एन जो है स्मॉल है, तो ये सब कैपिटल स्मॉल थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आके और वापिस से यहाँ पे नंबर का जो एन है वो हमारे हिसाब से क्या है, देखिए यहाँ पे स्मॉल ही है, तो स्मॉल ही रखना है, और स्टूडेंट का एस जो है स्मॉल है, ठीक है। तो रोल नंबर हो गया, कॉमा दे देंगे,
और यहां पे क्या करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये लिखा नेम अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट में स्टूडेंट्स लिखा है कि स्टूडेंट लिखा है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पे स्टूडेंट ही है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये नेम ऑफ स्टूडेंट भी हमने दे दिया, अब क्या बचा, अब लास्ट वाला फील्ड बचा है जिसका नाम है क्लास, तो सी एल ए डबल एस, तो यहाँ पे भी कैपिटल और स्मॉल ध्यान रखना होगा। तो देखिए क्लास का सी कैपिटल है तो हमने भी यहाँ पे कैपिटल ही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको बंद करेंगे, अब इसको बंद करने के बाद क्या करना है, जैसे ही बंद करेंगे तो आपको सिंपली प्रेस कर देना है एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तब यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिएगा। तो ये वैल्यूज डाल दिया, यहाँ पे लिखा हमने वैल्यूज, और यहाँ पे एक एक करके वैल्यूज डालते चलना है। जैसे मान लीजिए ये रोल नंबर वन है, इसमें कोई भी डॉमिनेटेड कॉमा या सिंगुलेटेड कॉमा नहीं देना है, जबकि नेम के अंदर आपको सिंगुलेटेड कॉमा या डॉमिनेटेड कॉमा देने की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आर आई टी एस, पहले बच्चे का नाम है रितेश, तो ये रितेश दे दिया। ब्रैकेट को जो सिंगुलेटेड कॉमा है उसको क्लोज किया, फिर नीचे कॉमा दे दिया, फिर दूसरे फील्ड में क्या डालना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरे फील्ड में हमें डालना है क्लास, तो यहाँ पे क्लास दे देते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास कर देते हैं 12, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। और यहां से अब क्या करना है, लास्ट में टर्मिनेट करना है और इस क्वेरी को यहां से एक्सिक्यूट करना है। जैसे ही एक्सिक्यूट करेंगे तो वन रो अफेक्टेड आ जाएगा, और अब हम जब इस टेबल को ओपन करके देखेंगे ना तो इसकी स्थिति कुछ और बन जाएगी। एक बार हम इसको क्लोज करके देन ओपन करते हैं, ये जो क्वेरी हमने बनाई इसको भी क्लोज करते हैं, यस कर देते हैं, यहाँ से ये यस करके सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इस टेबल को ओपन करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाना है, तो ये देखिए एक नाम रितेश जो है इसमें इंसर्ट हो गया है। अब दूसरा नाम इंसर्ट कराने के लिए आपको दूसरी क्वेरी लिखनी होगी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे करके हमें लिखना है, ठीक है, एक बार में कई क्वेरीज भी लगा सकते हैं आप। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर एसक्यूएल सर्वर में भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको आगे भी जानना है तो कमेंट करके मुझे बताते रहिए, आगे भी मैं चीजें इसमें बताता रहूंगा, ठीक है ना, ओके।